हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो आप सब लोग। तो देखो, आज का सेशन होने वाला है 2024 की स्ट्रैटेजी को लेके कि सर अब टाइम आ गया है प्रिपरेशन का, तो अब आप हमें गाइड तो करो कि कैसे हमें ईयर लॉन्ग स्ट्रैटेजी पूरी फुलफिल करनी है, कैसी स्ट्रैटेजी हमें अपनानी है, कैसे हम IOQM तक पहुंच सकते हैं। अगर हमारा अभी वो लेवल नहीं है तो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं लेवल को। तो बच्चों, आज के सेशन में हम पूरी बात करने वाले हैं IOQM से RMO पे कैसे जाना है, सबसे पहले IOQM पे कैसे पहुंचना है और IMO तक भी कैसे पहुंचते हैं बच्चे। मतलब पहुंचते हैं, मैं तो वो वाले एग्जांपल्स देने वाला हूं कि कैसे बच्चे पहुंचते हैं। तो PW की मुहिम से अब हम आपको जोड़ने जा रहे हैं। मुहिम क्या है बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताओ कि गांव गांव तक हमें पहुंचाना है IOQM। कि IOQM जो बच्चे अभी तक दे मतलब 20 से 25 हजार 30 हजार बच्चे जो IOQM दे रहे हैं, हमें वो लाखों में संख्या पहुंचानी है कि जो भी बच्चों तक, जिनको नहीं पता हो कि IOQM भी कोई एक चीज है, उन सभी तक हमें पहुंचाना है। जैसे जब ओलंपियाड वाला लॉन्च हुआ था, तो उससे पहले मैं श्योरिटी से कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि इतने सारे ओलंपियाड्स भी होते हैं क्या। तो लेकिन जब ओलंपियाड वाला आने के बाद, PW की इस मुहिम के बाद, आपको बहुत सारे ओलंपियाड्स के बारे में पता लगा या नहीं लगा, बताना कमेंट सेक्शन में हमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन होने वाला है IOQM की स्ट्रैटेजी के ऊपर। सर, सबसे पहले IOQM होता क्या है? मतलब बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे भी आते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर IOQM क्या है, इसके बारे में तो बताओ ना। देखो, जो मैथ्स के लवर्स है, मैथ्स के प्रेमी लोग जो है, जैसे मेरी तरह मैथ्स को जो प्यार करते हैं, उन सभी लोगों के लिए एक एग्जाम होता है 8th, 9th, 10th, 11th, 12th के लिए IOQM। IOQM क्या है, इन सभी के बारे में सबसे पहले जानेंगे हम। स्टेजेस के बारे में, कौन कौन सी स्टेज होती हैं। देखो, जैसे आपने ओलंपिक्स का नाम सुना है, ऐसे ही बच्चों ओलंपियाड्स होते हैं। जैसे ओलंपिक्स होते हैं वैसे ही ओलंपियाड्स होते हैं। ओलंपिक्स में कैसे होता है कि भाई इंडिया से कोई टीम जाती है, ऐसी ओलंपियाड में भी इंडिया से टीम जाती है। अब हर कंट्री अपने 6 स्टूडेंट सेलेक्ट करती है अपने अकॉर्डिंग, जोनल लेवल पे एग्जाम करा के, रीजनल लेवल पे एग्जाम करा के, नेशनल लेवल पे एग्जाम करा के। जैसे क्रिकेट में नहीं होता, या फिर अगर मैं बात करूं हॉकी में कि भैया कोई स्टेट चैंपियन है, कोई नेशनल चैंपियन है, तो वो क्या होता है, वो अपने यहां से टीम बना रहे होते हैं, फिर एक नेशनल टीम बनती है। ऐसे ही ये एक नेशनल टीम बनने की एक प्रोसेस है। नेशनल टीम बनने की क्या है, एक प्रोसेस है। वहां पर आप खेल के पहुंचते हो, यहां पर आप माइंड के थ्रू पहुंचते हो। माइंड के थ्रू तो सबसे पहले, पहले जब मैं बात कर रहा हूं, पहले RMO ही हुआ करता था, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। लेकिन कुछ सालों पहले PRMO जोड़ा गया, कुछ सालों पहले PRMO ऐड किया गया, प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। मतलब एक थोड़ा सा RMO से लेवल कम एग्जाम, और वहां पर बच्चों को सिलेक्ट किया जाए उनकी स्टेट वाइज। अब लेकिन उसका नाम बदल के IOQM कर दिया गया, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। इसका नाम क्या कर दिया गया, IOQM। तो हर साल मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन, होमी बाबा का ही एक सेंटर, रिसर्च सेंटर का ही एक पार्ट है मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया MTAI, वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है IOQM। IOQM से हर स्टेट से बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं, उन बच्चों को भेज दिया जाता है RMO देने। जैसे अभी IOQM का रिजल्ट आया है, तो RMO के लिए अब सभी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो RMO वो बच्चे लिख रहे हैं। RMO में कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे और वो INMO लिखेंगे, इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। अब INMO के बाद जब कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे तो IMOTC लिखेंगे। IMOTC ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, यहां पे बच्चों को ट्रेन किया जाता है, कुछ बच्चों को बाहर किया जाता है, कुछ बच्चों को टीम के लिए सेलेक्ट किया जाता है। जब 6 बच्चों की टीम बन जाती है तो उनको भेज दिया जाता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में। ये होते हैं बच्चों पूरा प्रोसेस। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाया कि ओलंपिक्स में कैसे आप पहुंचते हो, कुश्ती में कैसे पहुंचोगे, तो आप पहले अपने जिले पे लड़ोगे, जिले के बाद आप जो संभाग स्तर पे लड़ोगे, देन आप राज्य स्तर पे लड़ोगे, देन आप नेशनल पे लड़ोगे,
अगर आप टीम के लिए सिलेक्ट होते हो तो आपको कहां भेज दिया जाता है? इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, क्या आप नेशनल चैंपियन हो चाहे आप रीजनल चैंपियन हो, उसका बेनिफिट नहीं मिलता क्या आप लोगों को? मिलता है। तो वैसे ही अगर आप कुछ बच्चे आईएमओ तक नहीं पहुंच पाते, मतलब 6 ही बच्चे पहुंच पाते, ऐसा तो नहीं है ओलंपिक्स में सारे के सारे खिलाड़ी इंडिया को रिप्रेजेंट करते, नहीं, कुछ जोनल तक रह जाते हैं, कुछ नेशनल तक रह जाते हैं। तो जो भी बच्चे इन स्टेजेस को क्वालिफाई करते हैं वो अपने आप में महान है। तो ओलंपियाड के बेनिफिट भी मैंने आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं कि भैया क्या है आईओक्यूएम। तो जब आप इन सभी स्टेजेस में कोई भी स्टेज क्वालिफाई कर रहे हो तो आप भी महान। तो आपने समझ लिया ऑल स्टेजेस का मतलब। अब बात करते हैं कि सर सीट्स क्या क्या हैं। सीट्स हैं बच्चों 8th, 9th, 10th, 11th को क्लास ए कैटेगरी नाम दिया गया और क्लास बी कैटेगरी नाम दिया गया 12th क्लास को। तो हर स्टेट के जो टॉप 200 स्टूडेंट्स रहते हैं, हर स्टेट के टॉप 200 स्टूडेंट्स, उन सभी को सेलेक्ट कर लिया जाता है आरएमओ लिखने के लिए। आईओक्यूएम से सिलेक्शन, आरएमओ लिखने के लिए सिलेक्शन कर लिया जाता है। और देन क्लास बी के जो स्टूडेंट हैं वो मतलब 12th क्लास के, उनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, टॉप 40 स्टूडेंट जो होते हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है क्लास बी के लिए। 5 एडिशनल गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम कैटेगरी है, हर स्टेट से, हर कैटेगरी, हर मतलब क्लास से, या मैं क्लास ए से बात करूं तो 5 गर्ल स्टूडेंट को अलग से सिलेक्ट किया जाता है। और बच्चों जो गर्ल्स आरएमओ में सिलेक्ट होती हैं उनको ईजीएमओ में भी भेज दिया जाता है। कई कई बच्चों को ईजीएमओ के लिए भी रखा जाता है। बात समझ में आई? यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो आप अगर ये देख रहे हो तो आप ये बात तो समझो कि भाई कितने फायदे हैं, लेकिन बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता, इसलिए हम पूरे वीडियोस लाते रहते हैं कि हम आप तक पहुंचे, आपके माइंड में पहुंचे कि भैया ये भी होते हैं, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आई कि आरएमओ के लिए सिलेक्शन कैसे होता है। अब लेकिन बात सर सर्टिफिकेट्स की क्या है, तो 10 मार्क्स मिनिमम कंपलसरी होते हैं सर्टिफिकेट आपको मिलने के लिए। अब आप बोलोगे सर ऐसा कोई फिक्स है कि 200 स्टूडेंट ही सिलेक्ट किए जाएं? जैसे अगर मैं बात करूं उत्तराखंड रीजन से, तो इस साल ओनली 30 बच्चे ही सिलेक्ट किए गए थे, क्योंकि कुछ बच्चे भाई 10 मार्क्स से नीचे थे। तो पहले जो 2019 में पीआरएमओ चलता था तब क्या होता था कि आपके चाहे 2 ही नंबर आए हैं, लेकिन अगर आप टॉप 200 में आ रहे हैं तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा आरएमओ के लिए। लेकिन वो खतरनाक हुआ करता था कई बच्चों के लिए। भैया वो क्या होता था कि 1 मार्क पर ही सिलेक्शन हो रहा, 2 मार्क पर सिलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या था कि भैया क्वालिटी नहीं मिल पा रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि कट ऑफ को डिसाइड कर दिया कि मिनिमम कट ऑफ तो 10 है। जैसे साल की आप कट ऑफ देखना, मिनिमम कट ऑफ 10 आपको सब में मिलेगी। तो सीट्स और सर्टिफिकेट के बारे में बच्चों को पता लग गया, क्योंकि पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं मैं, ऐसा नहीं है, सारी चीजें बताने वाला हूं कि भैया क्या क्या है, स्टेजेस क्या है, क्या चीज है, क्योंकि कुछ नए बच्चे भी हमसे जुड़े हैं जिनको नहीं पता अभी आईओक्यूएम के बारे में, तो उनको भी पता लगे कि अच्छा ये चीज होती है, समझ में आ रही है। तो आईओक्यूएम की कट ऑफ की बात करें तो टोटल 102 नंबर का पेपर होता है आईओक्यूएम। 102 नंबर में से अगर मैं सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की बात करूं तो दिल्ली की जाती है, आंध्र प्रदेश की भी जाती थी पर इस साल कम गई है, और अगर आप देखोगे तो राजस्थान की जाती है, पंजाब, हरियाणा, मतलब नॉर्थ इंडिया से अगर मैं बात करूं ना तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ यहां पर जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी देखो तो 13 नंबर कट ऑफ गई, ठीक है, जम्मू की, कश्मीर वाले रीजन की 10 नंबर गई है कट ऑफ। तो अगर आप हाईएस्ट कट ऑफ देखो तो दिल्ली की जा रही है, और अगर आप इधर देखो हाईएस्ट कट ऑफ तो इधर हाईएस्ट कट ऑफ में 25 आंध्र प्रदेश की जा रही है। तो यही 2-3 रीजन है, बाकी सबकी देखो 10-12 क्योंकि इस बार का लेवल ही बहुत अच्छा था, इस बार का लेवल बहुत अच्छा था बच्चों। क्योंकि अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो लास्ट ईयर जैसे कट ऑफ की बात करूं तो वहां पर भी कट ऑफ ज्यादा गई थी, क्योंकि पहले आरएमओ ही था, मतलब पीआरएमओ के बाद आईओक्यूएम एक एग्जाम लाया गया जिसमें आरएमओ पीआरएमओ को मर्ज कर दिया गया। लेकिन इस साल क्या किया कि भैया आईओक्यूएम अलग से सेपरेट कर दिया गया, आरएमओ अलग से सेपरेट कर दिया गया। तो इस साल कट ऑफ में खासा अंतर पड़ा, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छे लेवल पे आया था। तो देखो यही आपके फंडामेंटल ईयर्स होते हैं कि भाई आप 9-10 में अपने फंडामेंटल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, क्योंकि आप अगर सपोज करो 12-15-20 नंबर भी अगर आईओक्यूएम में ला रहे हो तो आपके फंडामेंटल कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत अच्छे। आप फंडामेंटल जहां पे स्ट्रॉन्ग करोगे तो आगे आपको जैसे आप जेई नीट की प्रिपरेशन के लिए जाओगे तो बहुत फायदे आपको मिलने वाले। बात समझ आ रही है? अब जैसे उत्तराखंड की कट ऑफ की बात करें तो 10 ही गई थी, उत्तर प्रदेश की 10 ही गई थी, त्रिपुरा की 10 गई थी क्योंकि ये मिनिमम कट ऑफ है, राजस्थान की 13 गई थी,
मतलब 13 मार्क्स से ऊपर 200 बच्चे उनके मिल गए, लेकिन कई स्टेट में 200 बच्चे नहीं मिले, तो वहां पर कट ऑफ लो गई। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? अब कट यूनिट वाइज अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, यूनिट वाइज कट ऑफ नहीं बोलेंगे इसको, यूनिट वाइज कट ऑफ इसको काट देना, यूनिट वाइज वेटेज है ये, यूनिट वाइज वेटेज कर लो इसको, सॉरी फॉर द यूनिट वाइज वेटेज। तो देखो चार कैटेगरी आपके पास आती है, नंबर थ्योरी, एलजेब्रा, कॉम्बिनेट्रिक्स और ज्योमेट्री। नंबर थ्योरी, एलजेब्रा, कॉम्बिनेट्रिक्स और ज्योमेट्री, ये देखो ये कोई ज्यादा काम का नहीं, क्योंकि हर साल चेंज होता रहता है। इस साल कॉम्बिनेट्रिक्स में 51% के आसपास का एवरेज आया, कॉम्बिनेट्रिक्स से कंबाइन जो क्वेश्चन थे, तो ये हर साल चेंज होता रहता है, पर मैंने ऑन एन एवरेज बता दिया कि भाई नंबर थ्योरी से 20% पोर्शन आता है, कॉम्बिनेट्रिक्स से 23%, 25% और ज्योमेट्री से 25% और एलजेब्रा 30 से 35%, कभी कभी एलजेब्रा 20 भी रह जाती है, कभी 15 भी रह जाती है, डिपेंड करता है। तो इसका एक जनरल आइडिया निकालने के लिए मैंने आपको ये बनाया। अगर मैं बात करूं आप प्रिपरेशन की स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आप ये देखो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके लिए। जैसे नंबर थ्योरी अगर मैं बात करूं, तो देखो दो तीन टाइप की होती है नंबर थ्योरी। एक होती है जनरल, जो आप एनटीएससी के लिए पढ़ते थे या एसओएफ के आईएमओ वगैरह के लिए पढ़ते हो, वो नंबर थ्योरी का पोर्शन बहुत बेसिक है, यहां पर उतना यूज नहीं आता, यहां एडवांस लेवल की नंबर थ्योरी यूज आती है। एडवांस लेवल की नंबर थ्योरी की बात करूं, तो भाई अच्छे से इसके अंदर डायफेंटाइन इक्वेशंस, विल्सन इक्वेशन, विल्सन थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, इंटीजर्स पे अगर हम बात करें तो जीसीडी, एलसीएम, इन सब पे पूरा नंबर थ्योरी डिपेंड है। मतलब नंबर थ्योरी पे अगर मैं ज्यादातर आपसे बात करूं, तो नंबर थ्योरी वो वाला पोर्शन बहुत अच्छे से यहाँ पर पूछा जाता है। तो 2023 में जैसे 7 क्वेश्चन नंबर थ्योरी से पूछे गए, 2022 में 6 क्वेश्चन, 2021 में 2, 2020 में 10 और 2019 में 6 क्वेश्चन। तो ये और ये जो ईयर्स है, मतलब 2019 हो गया और 2023 हो गया, ये अब सेम मानो 2019 में पीआरएमओ हुआ, 2023 में आईयूपीएम हुआ, बाकी इनमें आरएमओ मिक्स था, तो वेटेज आप फिर भी देख सकते हो कि अच्छा खासा वेटेज पूछा गया है नंबर थ्योरी। एलजेब्रा की बात करूं, तो भाई 5 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, ठीक है, और इसके बाद 8 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए, 3, 10 और 7, वही एवरेज देखो, इधर और उधर का एवरेज देखना, सबका सेम है। ज्योमेट्री की बात करूं, तो इस बार 2 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और 6 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। कॉम्बिनेट्रिक्स ने तो भैया इस साल आग लगा दी, 13 क्वेश्चन पूछे गए थे और उधर 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो देखो आपको फायदा क्या है, फायदा यह है कि भैया अभी से आप अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आप देखो कॉम्बिनेट्रिक्स पीएनसी जो 11 12th में आके बच्चों को डराता है, अगर आप 9th में पढ़ना स्टार्ट करो, हमारी आईयूपीएम की प्लेलिस्ट ही आप देखो, तो उसके अंदर भी आप बहुत बेसिक बेसिक तरीके से पूरा पीएनसी सीख सकते हो। मतलब मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको आज से 4 महीने पहले पीएनसी के बारे में कुछ नहीं पता था, आईयूपीएम की प्लेलिस्ट देखने के बाद पीएनसी उनका बहुत अच्छा खासा स्ट्रांग हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब सर अगर जो 7th 8th के स्टूडेंट हैं वो क्या करें सबसे पहले, तो देखो जो 7th 8th के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे पहले जरूरी रहता है कि भैया वो एनसीईआरटी और आरडी शर्मा जरूर से जरूर लगाते रहे, पीएनसी का बेसिक बेसिक पढ़ना स्टार्ट कर दे, बेसिक जो बिल्कुल बेसिक लेक्चर्स होते हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर दे, ज्योमेट्री वो अपनी ज्योमेट्री फुल कर ले, भैया ज्योमेट्री में अच्छी तैयारी चाहिए, आप ईरानियन ज्योमेट्री की बुक आती है वो भी स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना, ठीक है, और आईयूपीएम की जो प्लेलिस्ट है हमारी वो धीरे धीरे करके देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 7th 8th में क्या होता है बच्चा फंडामेंटल सीखना स्टार्ट करता है, और बच्चों ऐसे ही लेक्चर्स आपके आगे बहुत अच्छे से काम आएंगे जब आप बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से चलोगे। आप 8th और 9th में अगर बेसिक पीएनसी सीख गए ना, तो 10th तक आता तो फोड़ दोगे आप, मैं गारंटी से बता रहा हूँ, क्योंकि यही तो पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री, कॉम्बिनेट्रिक्स, नंबर थ्योरी और एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर देखो यूनिट है, टॉपिक बहुत सारे, ये चैप्टर नहीं है, ये यूनिट है, यूनिट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, 4 यूनिट कवर करते हैं हम लोग ना। फिर देना अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ आईयूपीएम की, तो देखो यार एडवांटेज के बारे में तो मैं सारी बात कर चुका हूं, चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का चांस मिलता है, फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग हो जाते हैं, इनमो आईयूपीएम के सर्टिफिकेट्स बच्चों बहुत काम के होते हैं, आप कहीं भी इंटरव्यूज वगैरह दोगे, और इनमो के लेके तो मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि अगर आप इनमो क्वालिफाई करते हो तो आप वहां पर डायरेक्ट आईडीज में एडमिशन ले सकते हो, आप अगर वीडियो देखना चाहते हो तो अभी रिसेंट 2 से 3 वीडियो पीछे चले जाना, वहां पर आप देख सकते हो, ये मैंने आपको बताई दिया। कॉन्फिडेंस जो बूस्टअप होता है बच्चों वो तो महान है, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास जो अभी बच्चे हैं जो ओलंपियाड वाला में एनरोल्ड है, उनका आप कॉन्फिडेंस देखोगे और एक नॉर्मल बच्चे का कॉन्फिडेंस देखोगे, दोनों में बहुत अच्छा खासा फर्क आता है, बात समझ में आ रही है आपको ये। अब बहुत अच्छे से बच्चों को आता है कि सर स्टार्ट कैसे करें प्रिपरेशन, 7th 8th के बारे में मैंने आपको बता दिया, अगर आप 9th 10th में हो तो आईयूपीएम का कोर्स भी हमारा लॉन्च हो चुका है, तो आप देख सकते हो।
सबसे पहले बेसिक थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करो। बेसिक थ्योरी सर कहां कहां से पढ़ेंगे? बेसिक थ्योरी बच्चों आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। बेसिक थ्योरी खत्म करो एनसीईआरटी से पढ़ के, ठीक है। और अगर आप एसओएफ के फायदेमंद जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एसओएफ के आप आईएमओ दे रहे थे वो भी आप दो, एनएसओ दे रहे थे क्योंकि सबका फायदा है आगे, एनएसओ दे रहे थे ये भी आप दो, मतलब बेसिक थ्योरी तो आप यहां से कंप्लीट करो। देन जो आपको डीपीपीज मिलती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आपको ओलंपियाड वाला के फ्री सेक्शन में भी मिल जाएंगी मटेरियल्स में, उन सबको आप धीरे धीरे करना सॉल्व करो। स्टैंडर्ड बुक्स में आपको बता देता हूं, जैसे ज्योमेट्री में मैथमेटिकल सर्कल्स है, ठीक है। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सकर्जन मैथमेटिक्स आती है, ठीक है, और 104 प्रॉब्लम नंबर थ्योरी, 107 प्रॉब्लम एलजेब्रा, ये वाली बुक्स बच्चों बहुत अच्छी हैं, इनको आप लगाना स्टार्ट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट तो बच्चों AIME और AMC के PYQ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और PRMO PYQ, ये आप धीरे धीरे इन्हीं पे लगना स्टार्ट करो। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी बुक खरीद लेते हैं, ये ले ली वो ले ली, मार्केट में ये आ रही है ये भी ले ली। आप विकास तिवारी भी ले सकते हो, विकास तिवारी भी अच्छी आती है, मार्केट में बहुत सारी टाइप की चीज आती है जो बच्चों आपको डिस्ट्रैक्ट करती है कि भैया ये आरएमओ की ये बुक ले लो, ये ले लो। अरे कुछ नहीं लेना, आपके लिए सबसे आसान है इनकी पीडीएफ आपके पास मिल जाएंगी, इनसे थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करो। आप डीपीपीज लगाओ हमारे फ्री सेक्शन वाली, उसके अलावा आप एएमसी एआईएमई के पीवाईक्यूज लगाओ जो आपको एओपीएस पे मिलेंगे, आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग करके एक वेबसाइट है, यहां पर आपको सारे मिल जाएंगे। देन आप पीआरएमओ के पीवाईक्यूज तो धीरे धीरे लगाते रहो, यही सब काम करने हैं आपको, और वही चीज आपको हर टीचर सजेस्ट करेगा कि अगर आपको आईयूक्यूएम तक अपना लेवल बढ़ाना है तो आपको ये चीजें तो करनी होगी। बस ये चीजें कर लो, धीरे धीरे आसान आपका होता चलेगा, ठीक है। तो आज के सेशन में तो मैंने आपको बताया, देखो जिन बच्चों को आईयूक्यूएम के बारे में नहीं पता उनको बताया, प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, क्या क्या आप ले सकते हो, वो सब चीजों के बारे में, ज्यादा चीजों की तरफ भागना नहीं है, मेहनत करते रहना है। देखो अगर आप बोर्ड्स में बहुत लूज हो, आपकी अभी तक एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, आप पहले बोर्ड की प्रिपरेशन पे ध्यान दो। जो 10th के बच्चे हैं वो तो बोर्ड की प्रिपरेशन पे ध्यान दें, ठीक है। जिनके कंप्लीट नहीं है, जिनके कंप्लीट है वो अच्छे से अभी कर रहे हैं और अगले साल की प्लानिंग भी कर सकते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जिनके कंप्लीट नहीं है वो भैया इस पे नहीं है। 9th वाले बच्चे भैया पहले सबसे पहले अपने स्कूल की एनसीईआरटी वगैरह कंप्लीट करो, साथ साथ में आप ये सब चीजें पढ़ सकते हो जो मैंने आपको बताई है, धीरे धीरे लेवल से। पहले बेसिक थ्योरी, देन आप हमारे लेक्चर्स देखो, यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है वो देखो, ठीक है, और वहां से आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करो। प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया, आप एओपीएस पे जा सकते हो, आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग वेबसाइट है, जहां आप टाइप करना, आप जैसे आप चैप्टर टाइप करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सबसे पहले आप एएमसी के क्वेश्चन करना, एएमसी प्रॉब्लम्स, ये गूगल पे टाइप करना आप एओपीएस, आप ये टाइप करोगे ना, जैसे ही आपको एक वीडियो एक लिंक खुल के आएगा, इंटरमीडिएट इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम इन एलजेब्रा, ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा, वहां से आप प्रॉब्लम सेलेक्ट करना, 6 से 7 सॉल्यूशन मिलते हैं, आपको जो समझ में आए वो सॉल्यूशन आप वहां से यूज कर सकते हो। तो आई होप आज के सेशन में आपको बहुत सारी चीजें नॉलेज आपको गेन करने को मिली होगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो कमेंट में हार्ट भेजे, मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अपकमिंग सेशन में मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच।